हाय, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्रेश कोकोनट बर्फी बनाएंगे। एक नारियल लेंगे, उसे हम तोड़कर, पानी वाला नारियल, सारा नारियल निकाल लेंगे और इसे हम छील लेंगे पीलर की सहायता से। सारे नारियल को छील लेंगे, सारे नारियल को हम छील लिए हैं। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे पतले वाले ग्रेटर से। इसे एकदम बारीक बारीक निकल जाएगा नारियल। इसी तरह से हम सारे नारियल को ग्रेट कर लेंगे। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे सारे नारियल को। सारे नारियल को हम ग्रेट कर लिए हैं, इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही बना लें। इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम बारीक पीस लेंगे। इसे हम पीस लिए हैं। थोड़ा सा दरदरा है ये। एक पैन गरम करेंगे। पैन में हम नारियल पाउडर डालेंगे, नारियल पीस कर रखे हैं उसे डालेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट हम नारियल को भून लिए हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच हम मलाई डालेंगे, घर का फ्रेश मलाई डालेंगे। मलाई डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। इसे 2 मिनट भून लिए हैं। 1 कटोरी नारियल पाउडर था, इसमें हम आधी कटोरी से थोड़ा सा कम शक्कर डालेंगे। इसी कटोरी से हम नारियल पाउडर भी माप कर लिए थे, शक्कर भी इसी से डालेंगे। शक्कर मेल्ट हो गया है, इसे 2 मिनट और भून लेंगे। इसमें हम घी डालेंगे, 2 छोटी चम्मच घी डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भून गया है, इकट्ठा होने लगा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। पैन अभी बहुत गर्म है, तो 2 मिनट के लिए हम इसे पैन में ही चलाते रहेंगे। फिर इसे हम बटर पेपर पर निकाल कर चम्मच की सहायता से इसे हम प्रेस करेंगे। इसे हम किसी भी प्रकार का शेप दे देंगे। आप गोल चाहे तो गोल ही बना ले। हम इस तरीके से बना लेंगे इसे। इसे हम कट का निशान दे देंगे। कट का निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। आधा घंटा के लिए हम सेट करने के लिए रखेंगे इसे। इसके ऊपर से हम कटे हुए बादाम लगा देंगे, रखेंगे इसके ऊपर। ऐसे हम आधे घंटे के बाद इसे हम बर्फी निकाल लेंगे। आधा घंटा हो गया है, सेट हो गया है अच्छे से नारियल बर्फी। ऐसे हम निकाल लेंगे बर्फी को। पेपर पे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से हम सारे नारियल बर्फी निकाल लेंगे। पेपर पे जरा सा भी नहीं चिपकेगा ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप भी इस तरीके से नारियल बर्फी बनाएं। थैंक यू, बाय।